वोट बैंक की पॉलिटिक्स क्या ना कराते। महाराष्ट्र में 11.5% वोट के लिए शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी ने एक डील कर ली है। डील इसलिए कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी के नेताओं को 17 शर्तों की एक लिस्ट सौंप दी है। इस लिस्ट के 5 बड़ी शर्तें क्या हैं? सबसे पहले वो मैं आपके सामने रखता हूं। शर्त नंबर 1 क्या है? मुस्लिमों को 10% आरक्षण मिले। शर्त नंबर 2 कहती है कि वक्फ संशोधन बिल 2024 रद्द हो। शर्त नंबर 3, मुस्लिमों को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता दी जाए। शर्त नंबर 4 है, इमामों और मौलानाओं को 15,000 रुपए प्रति महीना सैलरी मिले। शर्त नंबर 5 है, आरएसएस पर प्रतिबंध लगे। और यह 5वीं शर्त ही सबसे अहम है। हो सकता है कि इसी से खुश होकर शरद पवार और कांग्रेस ने उलेमा बोर्ड को यह कह दिया है कि सत्ता में अगर आए तो उनकी शर्तों पर फैसला लेंगे। ये पन्ना महाराष्ट्र में वोट बैंक हासिल करने वालों के लिए शर्तों की लिस्ट है। इस लिस्ट में लिखी शर्तों पर जिसने भी अमल किया उसके खाते में खटाखट 11.5% वोट आ सकते हैं। चुनावी राजनीति में अब तक राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन होता था, लेकिन ये पहली बार है जब वोट बैंक के लिए ही गठबंधन हो रहा है। ये अघोषित गठबंधन है ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड और महाविकास अघाड़ी के बीच। हम इसे अघोषित गठबंधन क्यों कह रहे हैं उसकी वजह भी समझिए। दरअसल ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी के दलों को शर्तों वाली चिट्ठी सौंपी है। इस चिट्ठी में मुसलमानों के लिए अलग अलग कुल 17 डिमांड की गई हैं। इनमें मेन डिमांड है पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोलने वालों पर कानूनी प्रतिबंध का कानून बनाने की मांग, 2012 से 2024 तक मुस्लिमों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के लिए 1,000 करोड़ के फंड की मांग, मौलाना सलमान अजहरी की रिहाई के लिए पीएम पर दबाव बनाए, रामगिरी महाराज और नीतीश राणे को जेल में डालने की मांग। इसके अलावा भी कई मांग है जिनका सरोकार सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों से है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की सशर्त समर्थन की चिट्ठी मिलते ही शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस ने अपनी रजामंदी भी जाहिर कर दी। एनसीपी शरद पवार गुट और कांग्रेस ने उलेमा बोर्ड को धन्यवाद दिया है और उनकी मांगों को पूरा करने पर सहमति जता दी है। कांग्रेस के साथ साथ हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की जानिब से भी एक तहरीरी मक्तूब इसी तरह का हमें मिला है। एनसीपी शरद पवार गुट और कांग्रेस ने जवाबी चिट्ठी में लिखा है, अगर वो सत्ता में आए तो उन शर्तों को पूरा करने के लिए कदम उठाएंगे। कांग्रेस और शरद पवार की तरफ से रजामंदी ने उद्धव को धर्म संकट में डाल दिया है। अभी तक उद्धव समझ ही नहीं पा रहे कि उलेमा बोर्ड की चिट्ठी का जवाब कैसे दें और क्या दें। ऐसा लगता है कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट की ओर से चिट्ठी मिलना बस एक कोरम था। शायद वोट बैंक के बदले प्रचार की तैयारी पहले से ही थी। अब तो मुस्लिम संगठनों की ओर से महाविकास अघाड़ी के लिए प्रचार की शुरुआत भी कर दी गई है। मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने पर्चे बांटकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की शुरुआत की है। दावा है कि 400 एनजीओ इस कैंपेन में उनके साथ हैं। यानी मुस्लिम वोट को पोलराइज करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। उलेमा बोर्ड ने मुस्लिमों के लिए 10% आरक्षण की मांग की थी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण कतई नहीं होने देंगे। अल्पसंख्यकों का धर्म के आधार पर आरक्षण ये संविधान सम्मत नहीं है। ऐसा जब भी प्रयास होगा भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी से इसका विरोध करेगी। महाराष्ट्र में एनडीए के साथ ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की डील को बीजेपी वोट जिहाद का नाम दे रही है। उलेमा बोर्ड की शर्तों में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग है, उस पर भी बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी को चुनौती दे दी है। न 9 मन तेल होगा और न जो है उनकी मांग पूरी होगी। उनको भी इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि चाहे वो बोर्ड हो चाहे बोर्ड के कोई बाप हो, वो भी जो है वो संघ पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते और न लगवा सकते। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की विवादित शर्तों के बाद महाविकास अघाड़ी की रजामंदी पर बीजेपी हमलावर हुई तो कांग्रेस ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। ये इनकी बौखलाहट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनकी बौखलाहट के अलावा कुछ नहीं है। बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। चुनाव हारने के अंदर जब हारते हुए देखते हैं तो इसी तरह के जहरीले बयान देंगे, इसी तरह की जहरीले बातें होंगी। देश के अंदर मोहब्बत की बात होनी चाहिए। देश मोहब्बत से चलेगा, देश नफरत से नहीं चल सकता। बीजेपी की लाइन है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन इस लाइन को मुस्लिम अपने लिए इस्तेमाल करते दिख रहे हैं।
क्योंकि उलेमा वोट की चिट्ठी का मजमून यही है कि मुस्लिम एक है और वोट उसे ही मिलेगा जो उनके हक की बात करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.